राजराजेश्वर मंदिर के सभागृह का ये दृश्य है और ये गर्भगृह का दृश्य है। बीच बीच में स्वच्छता के लिए जो कर्मचारी है वे इस कतार को रोक लेते हैं और विशेष तौर पर वहाँ सफाई का ध्यान रखा जाता है। ये गांधी रोड का दृश्य है। कुछ देर पहले यहाँ से श्री राजराजेश्वर महाराज की मान का प्रथम क्रमांक प्राप्त पालकी और कावड़ निकली। अभी पांच वह क्रमांक हमें कुछ देर पहले मार्गक्रमण करता हुआ दिखलाई दिया। ये देखिए दो नंबर, ये भी मान के हैं और ओमकारेश्वर शिव भक्त मंडल अकोट फैल, इन्हें द्वितीय क्रमांक दिया गया है। यह हर वर्ष होता ही है, इनका काफी प्राचीन परंपरा इनकी भी है, इसीलिए इन्हें दूसरा क्रमांक दिया गया है। कुल 166 के करीब पालकी और कावड़ मंडल इसमें शामिल हुए हैं। विधिवत पूजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से कावड़ मंडलों की एक परंपरा है कि हर वर्ष श्रावण मास के अंतिम सोमवार को इस पालकी और कावड़ महोत्सव में वे शामिल होते हैं, उसी प्रकार से जो शिव भक्त है वे भी पीढ़ियों से उनके स्वागत की भी परंपरा रही है। नृत्य कर रहे हैं, मौसम कल रात्रि से ही बड़ा ही खुशनुमा है। बीच बीच में बारिश की फुहारे, ठंडी फुहारे हो रही है, मानो इंद्र देवता इन शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, उमस ना हो, क्योंकि अकोला शहर वैसे भी उमस और गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। अगस्त मास चल रहा है, फिर भी हम देखते हैं कि जितनी देर झाड़ू लगाते हैं उतनी देर भी यदि पंखा बंद हो जाए तब त्राहिमाम होने लगता है, तो ये विशेषता है। परंतु आज और कल शाम से ही जो वातावरण है उसमें नमी है, आह्लाददायी वातावरण है। देखिए छोटी सी बहुत सुंदर कावड़, मुझे लगता है कि 11 शिव भक्तों का ये ग्रुप है, एक जैसी टी शर्ट। यह भी पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार से एक ट्रेंड सा चल रहा है कि हर जो कावड़ मंडल है शिव भक्त मंडल की एक ही रंग की या एक पर्टिकुलर जो परिधान है वे ही धारण करते हैं, जिससे यह जो कावड़ महोत्सव है उसको चार चांद लग जाते हैं। चौदह अगस्त 1944 को कावड़ महोत्सव की शुरुआत हुई। प्रारंभ में मोरना नदी के जल से जलाभिषेक करने की परंपरा थी, पर धीरे धीरे, और ये देखिए अमोल गांवकर पुलिस निरीक्षक बहुत तगड़ा बंदोबस्त इस बार देखने में आ रहा है। कारण है क्योंकि विधानसभा चुनाव है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कल विशेष पुलिस निरीक्षक अमरावती संभाग के मकरंद रानड़े ने दौरा किया और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।
जिला पुलिस अधीक्षक अमोघ गांवकर, जो इस वर्ष इनका प्रथम कावड़ महोत्सव में बंदोबस्त की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। पिछले वर्ष राकेश कलासागर जी थे, उनका तबादला हो चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख के मार्गदर्शन में एक पूरी टीम है और इस वर्ष एक चीज और की गई है कि जय हिंद चौक से लेकर के राजराजेश्वर मंदिर तक, और ये देखिए छोटी सी बहुत ही सुंदर प्रतिमूर्ति यहाँ पर दिखलाई दी। गांधी रोड का दृश्य है, हमेशा ही गांधी रोड गतिविधियों का केंद्र रहता है। पूरा शहर में 365 दिन में लगभग सभी धर्म संप्रदाय पंथ जिनकी भी शोभा यात्रा रैली आदि निकलती है, वो यह जो चौक है, यह चौक उन सभी का साक्षी है और अनेकों वर्षों से साक्षी है। चाहे रामनवमी शोभा यात्रा हो या फिर गणपति विसर्जन शोभा यात्रा, शायद ही कोई रैली या शोभा यात्रा हो जो इस मार्ग से नहीं निकलती। अलग अलग संगठनों द्वारा भगवान शिव का जो पालकियां हैं, उन पालकियों का पूजन किया जाता है। इस वर्ष गजन महल संस्थान शेगांव की ओर से भी वारकरी शामिल हुए हैं दिंडी लेकर के, ये इस बार की विशेषता है। भगवान श्री राजराजेश्वर आज रजत आवरण इन्हें पहनाया गया है। महिलाओं की भी जो संख्या है वो कम दिखाई दे रही है। सोमवार को कई लोगों को उपवास होता है, व्रत होता है, परंतु कई ऐसे भी होते हैं घर के सभी सदस्य व्रत नहीं करते हैं, इस कारण से इन्हें दुगनी मेहनत आज होती है। उपवास का भी कुछ न बनाना है और भोजन तो बनाना ही है, तो इस कारण से अपनी जो दोहरी भूमिका है वो संपन्न करने के बाद दोपहर दो के पश्चात महिलाओं की जो भीड़ है वो बढ़ेगी और कुछ बाहर गांव से भी जो आस पास के जो ग्रामीण परिसर है वहाँ से भी दर्शनार्थियों का तांता लगने वाला है। मंदिर प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, हमेशा की तरह महिला स्वयंसेवक और पुरुष स्वयंसेवक दोनों ही है, दोनों ओर से महिलाओं को प्रवेश यहाँ पर अभी दिया जा रहा है क्योंकि पुरुषों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, जिससे कि शीघ्रता से हो जाए। और देखिए भगवान शिव और पीछे एक अघोरी बाबा का फ्लैक्स शिव संप्रदाय, जो शैव संप्रदाय होता है, शैव संप्रदाय के एक संत
दिगंबर अवस्था, भगवान शिव दिगंबर जो संत है उनके भी आराध्य है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं रखते, जो कुछ भी है सब भक्तों के ही लिए है। श्मशान में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ उन्हें ध्यान धारणा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, ये एक पारंपरिक सजावट है। आधे सूर्य के आकार में जो धर्म ध्वजाएं होती हैं उन धर्म ध्वजाओं को सजाया जाता है, और जब ये रफ्तार के साथ तीव्रता के साथ जब मार्ग में आगे बढ़ती है तब ऐसा लगता है मानो कि क्रांति का सूर्य ही चला आ रहा है, एक ज्वाला चली आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और ये देखिए, ये भी बड़ा बहुत सुंदर, एक विशालकाय शिवलिंग और उसके साथ में भगवान शिव के अलग अलग मुखौटे हैं। तो ये मुझे लगता है कि 11 होना चाहिए, 11 रुद्र होना चाहिए, परंतु मैं अभी पूरी तरह से कह नहीं सकता हूँ कि 11 ही है। एक बार जब ये सामने आएंगे तब हम आपको और दिखलाएंगे उन्हें। धीरे धीरे एक बज चुका है और अब यहाँ से जो खाली सड़कें दिखाई दे रही थी वो भी कम होगी, लोग अपने घरों से निकल करके इस पालकी और कांवड़ महोत्सव के मार्ग में आएंगे। पारंपरिक मार्ग है, गांधीग्राम से अकोट स्टैंड तक आते हैं, फिर अकोट स्टैंड से कपड़ा बाजार, शराब बाजार चौक, जैन मंदिर, गांधी चौक, सिटी कोतवाली, फिर वहाँ से जय हिंद चौक और फिर राजराजेश्वर मंदिर। इस प्रकार से ये लगभग अकोट स्टैंड से 3 किलोमीटर, और वैसे अगर देखा जाए तो पवित्र पूर्णा नदी जिसका प्राचीन नाम पयोशनी है वहाँ के जल से जलाभिषेक करते हैं। 18 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है। इस वर्ष नदी में जल बहुत कम था, इसलिए अमरावती के शाहनूर बांध का पानी पूर्णा नदी में छोड़ा गया और उस जल से अपने घड़े शिव भक्त मंडलों ने भरे और वे ही लेकर आ रहे हैं। 2017 में भी इस प्रकार से परिस्थिति बनी थी कि नल की नदी में जल नहीं था, उस समय अकोला के जो आमदार है उन्होंने गांधीग्राम में जो शिव मंदिर है उस शिव मंदिर के पास ट्यूबवेल खुदवाया और उस ट्यूबवेल से पास ट्यूबवेल के पास में ही 4 बड़ी बड़ी टांकियां, पानी की टांकियां बनाई गई और जिसमें कलश डुबा करके जो शिव भक्त है वे लेकर के आते थे। 2 वर्ष ऐसा चला, 2017 और 2018। ये तीसरे नंबर का क्रमांक है, मानकेश्वर शिव भक्त मंडल शिव चरण पेठ अकोला। ये भी इन्हें भी मान का क्रमांक प्राप्त है, 3रा क्रमांक इनको प्राप्त है। शिव अपनी जीवन संगिनी, अपनी आराध्या पार्वती के साथ विराजमान है।
छोटी सी प्रतिमा है लेकिन बड़ी मनोहारी है। और ये मंडल के पदाधिकारी सदस्य हाथ उठा उठा करके एक समर्पण की मुद्रा होती है। क्यों? क्योंकि यों तो ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है, परंतु हाथ उठाने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को आप पे समर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई अपराधी होता है, पुलिस उसे पकड़ती है तब पहला शब्द कहती है हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, तो वो हाथ ऊपर करके समर्पण करता है, आत्मसमर्पण करता है। उसी प्रकार से हाथ ऊपर उठा करके आत्मसमर्पण करना ये एक भंगिमा होती है या एक क्रिया है, और नृत्य में भी वह जो क्रिया है वो बहुत लगभग सभी नृत्यों में इस प्रकार जो हम पुराने जो नृत्य देखते हैं उसमें हाथ उठा करके ही नृत्य किया जाता है, चाहे भांगड़ा हो या अन्य कोई प्रकार का नृत्य हो। उसका कारण ये है कि हम अपने आराध्य या जिसके भी प्रति आप नृत्य कर रहे हैं उनके प्रति उसे समर्पित कर रहे हैं, आत्मसमर्पित कर रहे हैं। खड़े हुए भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन अभी हमने किए। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव वर्ष है, बहुत ज़्यादा उत्साह दर्शकों में देखा जा रहा है। 1944 में इस परंपरा की शुरुआत हुई, 75वां वर्ष है। इतिहास यों है कि 1942-43 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था, उस समय सूखा अकाल पड़ा और त्राही त्राही करने लगे लोग। उस समय नवाबपुरा, जिसे शिवाजी नगर कहते थे, शिवाजी नगर भाग के कुछ उत्साही नवयुवकों ने क्या किया, एक बालू का शिवलिंग बनाया और उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। प्रार्थना करने लगे वर्षा के लिए। उन नवयुवकों और भक्तों की प्रार्थना को सुनकर भगवान भोलेनाथ आशुः शीघ्रः तुष्यति, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। प्रसन्न हो गए, द्रवित हो गए और उस वर्ष इतनी बारिश हुई कि तटों को छोड़ करके पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। लेकिन उसमें भी एक आश्चर्य हुआ कि जिस शिवलिंग का निर्माण उन नवयुवकों ने किया था, जिनका पूजन अर्चन किया था, वहाँ जल नहीं आया, छू नहीं सका। इस चमत्कार को सबने देखा और उसे जागृतेश्वर शिवलिंग नाम दिया गया। और फिर उस वर्ष 2044 में 14 अगस्त 2044 को सोमवार के दिन, श्रावण का अंतिम सोमवार था, उस दिन नवयुवकों ने मोरना नदी के जल से कावड़ को लिया और भगवान उस जागृतेश्वर शिवलिंग पर जल अर्पित किया। तभी से ये प्रथा चली आ रही है और आज भी। और ये देखिए, बावलेश्वर शिव भक्त मंडल की ये पालकी है, हर वर्ष एक विशेष आकर्षण का केंद्र बावलेश्वर शिव भक्त मंडल की पालकी होती है। बहुत ही सुंदर भगवान
विट्ठल पंढरपुर के दृश्य को साकार किया। स्वचलित झांकी है, बीच में विट्ठल भगवान विराजमान है और चारों ओर से गोल गोल घेरे में जितने संत हैं वो संत वहाँ पर भगवान विट्ठल की परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत सुंदर कल्पना। और पीछे शिवाजी महाराज की प्रतिमा, बावलेश्वर शिव भक्त मंडल हमेशा अलग कुछ अनोखा करने हुआ है। तो इस बार भी जो इनकी संकल्पना है बहुत सुंदर। महाराष्ट्र के आराध्य देवत श्री विट्ठल भगवान, उनकी नगरी को साकार किया। ये देखिए जो पदाधिकारी, ये देखिए एक बार फिर से आपके लिए बावलेश्वर शिव भक्त मंडल सामने धर्म ध्वजा लहराते हुए, मुझे लगता है कि ये 11 ध्वजाएं हैं। ये 11 ध्वजाएं लेकर के पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं, जिस प्रकार से कोई राजा की सवारी होती है। और फिर पंढरपुर के दृश्य को यहाँ साकार किया, सामने तुलसी लिए हुए और फिर मंदिर पंढरपुर का। और ये देखिए जितने संत हैं, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, कितने संत हैं, उन सब संत को एक बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ पर साकार करने लायक है। और ऐसे जो दृश्य है इसके लिए एक सोच की आवश्यकता होती है, वह सोच बहुत सुंदर। और शिवलिंग है, शिवलिंग को वहाँ पर भगवान शिव को भी पगड़ी पहना करके, और शिव जी के साथ शिवाजी भी है। संकल्पना को प्रणाम। और ऐसे ही जो दृश्य होते हैं, ऐसे ही दृश्यों से इस पालकी और कांवड़ महोत्सव की शोभा यात्रा होती है, कि शोभा बढ़ती है। ये देखिए ये हरिहर, एक और हरि और हर का मिलन है। ये वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन होता है, जिसमें भगवान हर यानी भगवान शिव हरि से यानी भगवान विष्णु से मिलने आते हैं। तो एक स्वरूप हरिहर स्वरूप भगवान का, एक ओर से देखेंगे, बाईं ओर से देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, और दाईं ओर से भगवान शिव, इसलिए एक और गरुड़ है और एक और नंदी है, एक और शंख हाथ में लिए हैं, सुदर्शन चक्र है, तो दूसरी और त्रिशूल लिए हैं, जिस प्रकार से अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव का होता है उसी प्रकार से ये हरिहर स्वरूप है। और यों भी हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, भगवान विष्णु और शिव में जो भक्त है वो अंतर नहीं करते हैं, दोनों एक ही है। इसको इस कल्पना को या इस बात को साकार करने के लिए ये जो प्रतिमा है ये बतला रही है। और शिवसेना के पार्षद ये भी इस शोभा यात्रा में अपने समर्थकों के साथ जल्लोष कर रहे हैं। गांधी रोड का दृश्य है। और ये फिर हम आ गए फिर से शिवाजी पार्क पर। अभी भी लगातार जो कतार है वो लगी हुई है, और बीच बीच में कुछ जो छोटी पालकियां हैं जो इस महोत्सव में तो शामिल है, परंतु जो इस जो शांतता समिति की ओर से या राजेश्वर मंदिर की ओर से जो
निकाली जाती है उसमें वे शामिल नहीं है, जिन्हें क्रमांक नहीं दिए गए हैं वे भी। और ये भगवान अमरनाथ को यहाँ पर अकोला नगरी में साकार किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, कहीं मत जाइए। इस प्रकार के बहुत अलौकिक और मनोहारे दृश्य अभी हमें और भी देखने हैं। आप देखते रहिए पालकी और कावड़ महोत्सव 2019। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन कर जय करता। मधुर मधुर ना शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है मेरे प्राणों